हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेन ट्यूटोरियल। टुडे वी विल डिस्कस द ह्यूमन बॉडी पार्ट टू। पार्ट वन इज ऑलरेडी अपलोडेड, प्लीज वॉच द सेम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस द रिमेनिंग बॉडी पार्ट, बॉडी सिस्टम्स। सो फर्स्ट वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। मीन्स ये सिस्टम भोजन को पचाने के में हेल्प करता है हमारा। और दिस सिस्टम इज स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम माउथ। माउथ में वी इनटेक ऑफ होल फूड, मीन्स हम होल कंप्लीट जो फूड होता है उसको हम लोग माउथ में लेते हैं। जैन टीथ इज हेल्प टू चिविंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, मीन्स जो टीथ होते हैं वो ग्राइंडिंग मीन्स उसको काटने में और चीव चबाने में हेल्प करते हैं। देन टंग, टंग हेल्प करता है रोलिंग ऑफ फूड एंड टेस्टिंग ऑफ फूड, मीन्स टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं विच हेल्प्स टू टेस्ट द फूड, मीन्स फूड है उसको टेस्ट करने का काम आता है। एंड टंग हेल्प टू रोलिंग ऑफ फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। सो नेक्स्ट वन इज लाइक ए फूड पाइप। आफ्टर द टंग फूड गो फ्रॉम फूड पाइप टू स्टमक। सो फूड पाइप मेनली हेल्प करता है टेकिंग द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, मीन्स ये एक पाइप की तरह होता है और फूड को माउथ से स्टमक में ले जाने में हेल्प करता है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। जो छोटी आंत होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वहीं पर हेल्प करता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन टू अब्जॉर्ब द फूड इन टू द ब्लड, मीन्स यहीं से फूड अब्जॉर्ब होता है एंड ब्लड में जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन पर एक फिंगर लाइक आकृति पाई जाती है, शेप्स पाई जाती है, उनको हम विलाई बोलते हैं। एंड विलाई के थ्रू ही फूड का अब्जॉर्प्शन होता है। एंड आफ्टर दिस स्मॉल इंटेस्टाइन द नेक्स्ट पार्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। वहाँ पर केवल अब्जॉर्ब होता है एक्सेस वाटर, मीन्स फूड का अब्जॉर्प्शन ओनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो एक्सेस वाटर होता है वो एब्जॉर्ब होता है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। बट स्मॉल इंटेस्टाइन का आप देखोगे तो बहुत बड़ी होती है, बट उसका नाम फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसका रीजन है बिकॉज उसका जो डायमीटर है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। इसीलिए लंबाई में स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा होने पर भी हम उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, बिकॉज उसका जो डायमीटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कम होता है। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, देर आर जूसेस सिक्रेट ड्यूरिंग द डाइजेशन बाय डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। सो फूड को पचाने के लिए हम बॉडी के अंदर मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के अंदर कुछ जूस सिक्रेट होते हैं फ्रॉम द पैंक्रियाज लीवर। ये जो जूस सिक्रेट करते हैं वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए द जूस सिक्रेट बाय दीज ऑर्गन इज नोन एज डाइजेस्टिव जूस। स्लाइवा इज ऑल्सो काइंड ऑफ डाइजेस्टिव जूस जो कि माउथ के अंदर होता है, दैट इज ऑल्सो डाइजेस्टिव जूस। नाउ नेक्स्ट ऑर्गन इज एक्सक्रेटरी सिस्टम। सो दिस सिस्टम हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, मीन्स जो भी वेस्ट पदार्थ है उनको बॉडी से रिमूव करने के काम आता है वो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है। इट हैज पेयर ऑफ किडनीज, मीन्स एक्सक्रेटरी सिस्टम के जो पार्ट हैं वो किडनीज होते हैं, स्किन होती है एंड पेयर ऑफ लंग्स होता है। सो ऑल दीज पार्ट्स हेल्प एज टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडीज। सो किडनी इज अ मेन पार्ट। स्किन स्वेटिंग के थ्रू हेल्प करते हैं हमारी बॉडी से वेस्ट को दूर करने के लिए। एंड लंग्स हेल्प करते हैं जो डी ऑक्सीजनेट
ऑक्सीजन होती है उसको बाहर निकालते हैं, मीन्स जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वेस्ट एज ए वेस्ट होती है उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। किडनी क्लीन्स द ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। सो किडनी मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है बिकॉज इट क्लीन्स द ब्लड, ब्लड को साफ करती है एंड जो वेस्ट होता है वो यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर होता है। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो दिस सिस्टम इंक्लूड द नोज, विंड पाइप एंड द लंग्स। सो लंग्स आर द मेजर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ एंड सप्लाई ऑक्सीजन टू आवर बॉडी, मीन्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमको सांस लेने में हेल्प करता है एंड हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीजन है उसको सप्लाई करता है। हम लोग जो सांस के अंदर इनहेल करते हैं, मीन्स जो जो वायु हम अंदर लेते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, सो इनहेल्ड ऑक्सीजन एंड एक्सहेल्ड मीन्स जो बाहर निकालते हैं वो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ब्लड पिक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड सप्लाई टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सिमिलरली ब्लड, जैसे ब्लड जो फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, सिमिलरली जो ऑक्सीजन है उसको लंग्स से पिक करता है एंड पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करता है। दोस्तों वी शुड ब्रीथ थ्रू द नोज ओनली, व्हाई? बिकॉज नोज हैज ए हेयर एंड म्यूकस इन इट, सो दिस हेयर फिल्टर द डस्ट एंड म्यूकस ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। सो जनरली हम लोग जो सांस लेते हैं वो हमको मुंह से नहीं लेनी चाहिए, हमको नोज के थ्रू लेनी चाहिए बिकॉज नोज के अंदर हेयर्स होते हैं एंड म्यूकस होते हैं। सो हेयर्स जो नोज के अंदर होते हैं दे हेल्प, दे वर्क एज ए सीव, छलनी की तरह काम करते हैं एंड जो म्यूकस होती है इट हेल्प टू ट्रैप द स्मॉल डस्ट पार्टिकल। नाउ नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिकली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। सो ब्रेन इज द मोस्ट वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, इट हेल्प थिंकिंग, फीलिंग ऑल द थिंग्स एंड कट दिस स्पाइनल कॉर्ड इज बिटवीन लाइक ए ब्रेन एंड द अदर बॉडी पार्ट्स। सो नर्वस सिस्टम हेल्प टू कंट्रोल ऑल आवर एक्शंस, सेंस एंड थिंकिंग। जो हम सोचते हैं, जो सेंस करते हैं, उन सब का कंट्रोल नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। ब्रेन इज द मोस्ट वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड इसके अंदर जो सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ दिस नर्वस सिस्टम एंड नर्व कैरीज मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड आवर बॉडी। सो नर्व, जैसे सांस लेने के लिए विंड पाइप होता है, इसी तरीके से द नर्व्स होती है, दीज आर द लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड अदर बॉडी पार्ट्स एंड द स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट बॉडी टू ब्रेन। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज ए ऑर्गन्स विच हेल्प इन प्रोड्यूसिंग बेबीज। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल हैव ए डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लाइफ कंटिन्यू बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल इफ यू आर न्यू ऑन चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। Thank you.